आज पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने प्रत्येक मंडल स्तर और बूथ स्तर पर जयंती मनाई, जिसमें धार जिले के नालसा मंडल में बगड़ी फाटे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पमाला के साथ माल्यार्पण करके जयंती मनाई गई, जिसमें नालसा के जनपद अध्यक्ष लालजी डावर ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक उत्कृष्ट संगठनकर्ता के रूप में जो वैकल्पिक भारतीय राजनीति की नींव रखी है, वह आज पूरे देश में गरीब, वंचित और शोषित वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। उनका जीवन सामाजिक समरसता और राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण है। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। संबंध में आपने वो कहा, आज भारतीय जनता पार्टी मंडल नालछा द्वारा पंडित दीनदयाल जी की जयंती मनाई गई और यहाँ से हम बदनावर के लिए प्रस्थान करें। बदनावर विधानसभा में उपचुनाव, उसमें वहाँ महाजन संपर्क अभियान करेंगे भारतीय जनता पार्टी मंडल नालछा के सभी कार्यकर्ता। आपका नाम? कपिल चौधरी, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंत्री धार। सभी भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यकर्ताओं ने हमारे मंडल अध्यक्ष मनोज जी पटेल और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई। आपका नाम? लालजी डावर, जनपद अध्यक्ष नालचा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।